गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राजा राम फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन AIST सागर। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वर्नियर कैलिपर। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका वर्नियर कैलिपर है ये आपका फोर्थ सेमेस्टर BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का एक्सपेरिमेंट मैं कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो हमारा बर्नियर कैलीपर है, बर्नियर कैलीपर को हमें किस तरीके से पकड़ना होता है। तो इसका जो राइट वे होता है पकड़ने का, वो इस प्रकार से होता है जो मैं इस प्रकार से हूँ। इसको आपको प्रेस करना होता है, प्रेस करने के बाद इसको आप मूवेबल कर सकते हो। इसके मैं पार्ट बता दूं आपको, जो बर्नियर कैलीपर है इसके पार्ट से जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये दोनों, ये होते हैं आपके जो, ये भी जो है, ऊपर वाले भी जो होते हैं। अब इसमें से कौन सा आपका एक्सटर्नल जो है, कौन सा आपका इंटरनल जो है, तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप जिससे आप इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हो वो आपका इंटरनल जो होता है, जिससे आप एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हो वो आपका एक्सटर्नल जो होता है। तो जैसे आपको ए वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये कहा जाए कि फिक्स्ड जो होता है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी दोनों फिक्स्ड जो है ना। ए वाला और ए आपको दिख रहा है वाला, ये दोनों कैसे मूवेबल जो है, क्यों? क्योंकि मूव करता है, ठीक है, इस प्रकार से है ना। तो ये आपको जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जो, क्योंकि इससे हम एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं। जैसे आपके हमारे पास यहाँ पे पेन है और हमें पेन का हमें एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका आउटसाइड डायमीटर फाइंड कर रहे हैं, ना कि हम इंटरनल डायमीटर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सटर्नल जो है ना, ए वाला। और जो आपको इस साइड वाला ये दिख रहा है, ये आपका इंटरनल जो है, क्योंकि इसके हम ऐसे हम किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर हमें फाइंड करना, तो आपको इससे हम फाइंड कर, जैसे कि आपको ये दिख रहा है पेन कैप, ठीक है ना, पेन कैप दिख रहा है। अगर हमें इसके इंटरनल फाइंड करना डायमीटर, हम क्या करेंगे, इसके अंदर है ना, इस प्रकार से इसको लगाएंगे, है ना, ये होता है, और इससे हम इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है इसके पीछे, आपको ये दिख रहा होगा ये स्ट्रिप निकलती है, इसके हम डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं, इससे डेप्थ मेजरमेंट के लिए। जैसे कि आपको इस कैप की आपको डेप्थ फाइंड करना है, ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको क्या करोगे, इसमें एन करोगे, ठीक है ना, यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड होगी। इसके बाद इसके और भी पार्ट होते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये होता है आपका एक्सटर्नल जो, ये होता है आपका इंटरनल जो, ये होता है आपका डेप्थ मेजरमेंट। इसमें आपका दो स्केल रहता है, एक होता है आपका वर्नियर स्केल।